एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कस्टडी के बारे में कि डाइवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है या पिता को, और अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको चाइल्ड कस्टडी का केस अगर डालना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अनम्यूट फैक्ट्स को लाइक कीजिए। हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग 5 साल से छोटे बच्चों की कस्टडी ज़्यादातर केसेस में माँ को दी जाती है, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग 7 साल से छोटे बच्चों की कस्टडी माँ को दी जाती है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसके अदरवाइज प्रूफ होता है, क्योंकि जब भी बच्चे की कस्टडी डिसाइड की जाती है तो कोर्ट जो सबसे ज़्यादा ध्यान जिस पर देती है वो होता है बच्चे का वेलफेयर, यानी कि बच्चे की भलाई जिसके साथ रहने में होगी, माँ या पिता बच्चे की कस्टडी उनको दे दी जाती है। लेकिन जनरली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाती है, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग 7 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी जनरली माँ को दे दी जाती है। उससे ज़्यादा बड़े बच्चे अगर लड़की है तो उसकी कस्टडी माँ को, या उससे बड़े लड़के हैं 5 साल से बड़े लड़के हैं तो उसकी कस्टडी पिता के पास जा सकती है। लेकिन कस्टडी डिसाइड करते वक्त कोर्ट जो सबसे ज़्यादा महत्व देती है वो इस बात को देती है कि बच्चा किसके पास सुरक्षित रहेगा। तो 4 जो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं बच्चे की कस्टडी डिसाइड करते वक्त, वो ये होते हैं कि कौन माँ या पिता में से कौन बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकता है, अच्छी परवरिश कौन ज़्यादा दे सकता है, जिसमें बच्चे को सही संस्कार दिए जाए, सही गलत का उसको ज्ञान करवाया जा सके। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छी परवरिश माता पिता में से कौन दे सकता है। अगर माँ या पिता में से किसी का भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनकी वो परवरिश दे पाने में असमर्थ है, मान लीजिए किसी को ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं या कुछ गलत आते हैं, पिता ड्रग्स लेते हैं मान लीजिए, या माँ की कुछ गलत आते हैं, माँ कोई ड्रग्स लेती हैं, या इनकैपेबल हैं बच्चों को अच्छी परवरिश देने में माँ या पिता, तो बच्चे की कस्टडी दूसरे पेरेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा कौन बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रख सकता है, बच्चा किसके पास सुरक्षित रहेगा। अगर बच्चा ऐसा मान लीजिए कि पिता के पास बच्चा ज़्यादा सुरक्षित है तो बच्चे की कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है, और बच्चा अगर माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित है तो बच्चे की कस्टडी माँ को दी जा सकती है। माँ या पिता में से कौन बच्चे की एजुकेशन अच्छी दिलवा सकता है, यानी कि कौन है जो माँ या पिता में से कौन बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकता है ताकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके, बच्चे को अच्छी परवरिश मिल सके, बच्चे को प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा कौन फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है ये भी देखा जाता है, लेकिन अगर माता पिता दोनों ही इक्वली इंडिपेंडेंट है, दोनों ही ठीक ठाक कमा लेते हैं, या फिर एक कोई कम भी कमाता है, मान लीजिए पिता के पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, माँ के पास उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन वो बच्चे का ध्यान रख सकती है अच्छे से, तो बच्चे की कस्टडी माँ को भी दी जा सकती है। या माँ बहुत अच्छा कमाती है, पिता उतना अच्छा नहीं कमाते लेकिन बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं, तो बच्चे की कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है। अगर माँ को कस्टडी दे दी जाती है या पिता को कस्टडी दे दी जाती है और माँ ज़्यादा अच्छा कमाती है, तो दोनों ही केसेस में ऐसा हो सकता है कि बच्चे की मेंटेनेंस के लिए उनको भी ऑर्डर दे दिया जाए कि आप बच्चे की मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा देंगे, तो दूसरे व्यक्ति को कस्टडी के साथ साथ मेंटेनेंस का ऑर्डर भी मिल सकता है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कस्टडी कितने टाइप की होती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हमें जॉइंट कस्टडी मिल सकती है, और अगर हमें जॉइंट कस्टडी मिल गई तो क्या हमें साथ रहना पड़ेगा। तो आपको जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा 4 टाइप की कस्टडी होती है। फिजिकल कस्टडी, जिसमें बच्चे की कस्टडी किसी दे दी जाती है, मान लीजिए माँ को बच्चे की कस्टडी मिल गई और पिता कभी कभी बच्चे के पास आकर मिल सकता है। एक होता है सोल कस्टडी, जिसमें पूरी तरीके से एक पेरेंट को कस्टडी दे दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उससे मिल भी नहीं पाता, मान लीजिए पूरी तरीके से माँ को सोल कस्टडी दे दी, अगर पता चलता है कि पिता का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनका वॉयलेंट बिहेवियर है, मारपीट करते हैं या ड्रग्स लेते हैं या किसी गलत आदतों में हैं ऐसी, तो बच्चे से उनके विजिटिंग राइट्स भी ले लिए जाते हैं फादर के और सिर्फ माँ को कस्टडी दे दी, या सेम वाइस वर्सा, पिता को कस्टडी दे दी और माँ के विजिटिंग राइट्स कैंसिल कर दिए। या फिर इसके अलावा एक थर्ड पार्टी कस्टडी होता है, जिसमें अगर माँ और बाप दोनों ही इनके
पेबल है या माता पिता दोनों की डेथ हो गई है, तो उसमें बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी दूसरे ब्लड रिलेटिव में दे दी जाती है जो बच्चे का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट कस्टडी को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि ज्वाइंट कस्टडी क्या होती है। ज्वाइंट कस्टडी ये होती है कि बच्चे की कस्टडी माँ और पिता दोनों को मिल जाती है और कुछ टाइम के लिए बच्चा अपनी माँ के पास और कुछ टाइम के लिए पिता के पास रहता है। इसमें पेरेंट्स को साथ नहीं रहना पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं कि बच्चा कुछ टाइम अपनी माँ के पास और कुछ टाइम पिता के पास रह सकता है। और कोर्ट किन बातों को कंसिडर करती है? कोर्ट आपको मैंने बताया तीन चार बातों को कंसिडर करती है कि बच्चे की एथिकल मोरली किस कौन अच्छी परवरिश दे सकता है, कौन अच्छे संस्कार दे सकता है। जो परवरिश अच्छी दे सकता है बच्चे की कस्टडी ज़्यादातर उस पेरेंट को दे दी जाती है। इसके अलावा कौन अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता है, कौन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिसके भी पास बच्चे का वेलफेयर, बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा उसको बच्चा दे दिया जाएगा। जनरली 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी माँ को हिंदू मैरिज एक्ट और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर दे दी जाती है और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग 7 साल तक के बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े लड़का है तो पिता को और लड़की है तो माँ को कस्टडी दी जा सकती है। अगर बच्चे की उम्र 9 साल से ऊपर है तो बच्चे से भी पूछ लिया जाता है कि वो किनके साथ रहना चाहता है। अगर सारे फैक्टर्स माँ और पिता दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही कमाते हैं, दोनों का ही बिहेवियर अच्छा है और बच्चे की कस्टडी को लेकर बस कसम कस है, अदरवाइज सब कुछ दोनों तरफ अच्छा है, तो बच्चे से भी पूछ लिया जाता है कि वो किसके साथ रहेगा अगर उसकी उम्र 9 साल से ऊपर है। और अगर बच्चा कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है और लड़की है तो माँ को या अगर लड़का है तो पिता को कस्टडी दे दी जाती है 5 साल के बाद या मुस्लिम लॉ में 7 साल के बाद। इसके अलावा कि बच्चे की कस्टडी के लिए अगर आप केस डालते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आपका डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए माँ बच्चे को लेकर चली गई और 2-3 साल बाद आप अपने डिफरेंसेस को, अपने केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक की तरह अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस डाल रहे हैं तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको बच्चे की कस्टडी ना मिले। तो बच्चे की कस्टडी का केस आप जितना जल्दी डाल देंगे आपके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप अपना बिहेवियर ठीक रखें ताकि कोर्ट में ये इंप्रेशन जा सके कि भाई बच्चे का भविष्य आपके साथ सुरक्षित है, तो भी कोर्ट आपको कंसिडर करता है। आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो भी बच्चे की कस्टडी आपको दी जा सकती है। यानी कि ओवरऑल बच्चे का वेलफेयर जिसके साथ ज़्यादा सुरक्षित है, सारा जो कस्टडी का जो बैटल है वो वही व्यक्ति जीतेगा जिसके हाथों में बच्चे का भविष्य सुरक्षित नजर आएगा। तो बच्चे की कस्टडी माँ या पिता दोनों में से किसी को भी दी जा सकती है, बस कुछ फैक्टर्स हैं, अगर उन फैक्टर्स को आप पूरा करते हैं तो बच्चे की कस्टडी का केस आप जीत सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।